नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ स्फेयर फ्रेम ऑफ मेटेलिक वायर इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्ड। ठीक है, आई शोन एल पी क्यू एन आर ऑल्सो मेटेलिक वायर। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एल एंड एन, ये एल यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एल है ये और ये पी है, यहाँ क्यू है, ये क्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच एन और एल, एन और एल, ये एल एन के बीच में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और सबकी लेंथ एल है। तो इसमें जो सबसे पहली बात, इसको फिगर ऐसे बना ले हम। ठीक है, ऊपर यहाँ पर मैंने बोला एल है, यहाँ पर है एन, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक एल है, और यहाँ से यहाँ तक भी एल है। तो अगर मैं ईएमएफ सेल बनाऊंगा तो सेल यहाँ पर एक बनाऊंगा, एक सेल यहाँ बनाऊंगा, एक सेल यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, एक सेल हम यहाँ बनाएंगे, तो इसका ईएमएफ कितना होगा, बी एल वी, इसका ईएमएफ भी बी एल वी, इसका ईएमएफ भी बी एल वी, और इसका ईएमएफ भी बी एल वी। अब इन दोनों पॉइंट जो यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ Q पॉइंट है, P और Q के बीच में ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, E ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये सीरीज में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक सेल होगा जिसका पॉइंट L है, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर एक सेल होगा। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, P पॉइंट है, ये पॉइंट Q है, और फिर यहाँ पर N है, तो यहाँ पर भी सेल हो गया, तो ये सेल भी हो गया, ये सेल भी हो गया, ये सेल भी हो गया, तो तीन सेल हो गए, तीनों का ईएमएफ ई है, तो 3E टोटल ईएमएफ होगा, और एक E की वैल्यू कितनी है, BLV या BVL, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3BVL, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, डी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। ठीक है,